आप सभी लोग आज के समय में देश भर में एक मामला जोरों शोरों से सुन रहे हैं, वो है पेगासस का मामला। और इसमें एक सामान्य जानकारी आप लोगों को दे देता हूँ कि एनएसओ ग्रुप, ये कहाँ का है? इजराइल का। और ये क्या करता है कि एक सॉफ्टवेयर बनाता है, जैसे आप लोग पेगासस स्पाईवेयर के नाम से जानते हैं। और इससे क्या होता है कि जासूसी होती है। मान लीजिए कि आपका फोन है, आपके फोन पर एक मिस कॉल आएगी, आप लोग उस मिस कॉल को, उस फोन को अटेंड करिए ना करिए, यानी कि उठाइए ना उठाइए, अगर आपके पास मिस कॉल आ जाती है तो मानते हैं कि वो सॉफ्टवेयर आपके फोन के अंदर एंटर हो जाता है। और आप किससे बात कर रहे हैं, किससे आप लोग चैटिंग कर रहे हैं, किससे आप लोग जीमेल भेज रहे हैं, ये सब जानकारी आपकी उस सॉफ्टवेयर के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाएगी जो इसका इस्तेमाल करना चाह रहा है। और आपने देखा है कि संसद भी नहीं चल पा रही है इसके बाद, और देश राज्यों में भी आप देखें कि आंदोलन जैसा खड़ा कांग्रेस कर रही है, और बाकी पार्टियां भी इसमें काफी हल्ला बोल रही हैं। लेकिन आप लोगों ने ये सुना होगा, हाल ही में पश्चिम बंगाल में, जहां आप देखते हैं ममता बनर्जी हैं, इन्होंने एक क्या किया हुआ है, एक जांच आयोग का गठन किया हुआ है, पेगासस की जांच के लिए एक जांच आयोग बनाया हुआ है। इसमें आप देखेंगे कि दो लोग शामिल हैं, एक तो आपके देखेंगे कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ज्योतिमर भट्टाचार्य, और दूसरे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं मदन भीमराव लोकुर। इसीलिए आप देखते हैं कि इसे लोकुर आयोग भी कहा जा रहा है। एक बार पश्चिम बंगाल को भी दिखा देता हूं, देखिए दर्शन कर लीजिए, ये आपको देखने को मिलेगा पश्चिम बंगाल। और आपने हाल ही में देखा होगा कि चुनाव भी हुआ था यहाँ, किस तरह से चुनाव हुआ, किस तरह से जीत हुई, ये अलग मैटर है, आप लोग सभी जानते भी हैं। इसके बारे में कुछ पॉइंट भी याद रखिए पश्चिम बंगाल के, इसकी राजधानी आप देखेंगे तो कोलकाता देखने को मिलेगी, और इसे 26 जनवरी 1950 को स्टेट बनाया गया था, राज्य का दर्जा मिला था। और यहाँ अगर हम लोग विधानसभा सीटों की बात करें तो 294 देखने को मिलेगी, लोकसभा की देखें तो 42 सीटें देखने को मिलेगी, राज्यसभा में आप देखेंगे 16 सीटें देखने को मिलेगी। कितनी? 16 सीटें। अगर इससे लगे हुए राज्यों की बात करें तो आप देखेंगे उड़ीसा, झारखंड, बिहार, यहाँ आप देखेंगे सिक्किम, और यहाँ आप देखेंगे असम देखने को मिलेगा। अगर देशों की बात करें तो आप देखेंगे बांग्लादेश से भी इसकी सीमा लगती है, इसकी सीमा नेपाल से भी लगती है, और इसकी सीमा भूटान से भी लगती है। तीन देशों से सीमा लगती है, किसकी? पश्चिम बंगाल की। देखिए जब भी इस तरह का कोई स्टेट आपका चर्चा में रहता है तो उसके बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोग याद रख लिया करिएगा। आजकल आप देखिए आपका स्टेट पीसीएस हो, या आप देखिए आपका सिविल सर्विस हो प्रीलिम्स, इनमें नॉर्मल क्वेश्चंस पूछ लेता है। अगर आप लोग इस तरह के ध्यान देते रहेंगे तो आसानी से आप लोग उनके आंसर भी दे पाएंगे। और इसी तरह आप लोग देशों के बारे में भी याद रखिए। आप में से कई लोगों ने पूछा भी था कि इतने सारे देश हैं, सबके बारे में सभी पॉइंट याद रख पाना क्या मुमकिन है? देखिए आपके लिए ही नहीं, हर कोई भी सभी पॉइंट याद नहीं रख सकता है। यहाँ एक स्मार्ट गिरी होती है एक तरह से, कि आप सभी जानते हैं कि करंट में जो भी देश चर्चा में रहता है उसी से आपके क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो जब भी कोई देखिए देश चर्चा में है, मान लीजिए अमेरिका में चुनाव हुए, तो हो सकता है कि आपकी परीक्षाओं में अमेरिका से क्वेश्चंस पूछा जाए। या आप देखिए हमारा पड़ोसी चाइना है, हमारी उससे किस तरह से झड़प हो रही है आपकी देखेंगे आप लोग लद्दाख में, तो इससे भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो आप लोग इनके बारे में याद रखा करिएगा नॉर्मल पॉइंट। चलिए वापसी चलते हम लोग इस समिति पर। तो इसमें क्या किया हुआ है कि ममता बनर्जी ने एक आयोग का गठन किया हुआ है, और ये अब पेगासस मामले की जांच करेगा। और आप सभी लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए, एक काम वैसे किसे करना चाहिए था? केंद्र सरकार को। आप में से कई लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये सही मामला है, किसने जांच करवाई होगी? तो मुझे लगता है कि आप लोग न्यूट्रल
होकर अगर आप लोग इस पर सोचते हैं तो आप लोग आसानी से निष्कर्ष पर आप लोग पहुंच जाएंगे। अगर जांच हुई है तो किसने करवाई है, इसका फायदा किसे होने वाला था, और किन किन नामों की जासूसी हुई है, और किन टाइम काल पर यानी कि किस समय काल में ये जांच करवाई गई है, तो मुझे लगता है कि बेहतर आप लोग समझ पाएंगे। ठीक है, अब इस आयोग के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं और इस अधिनियम के बारे में भी बात कर लेते हैं, हो सकता है इससे क्वेश्चंस आपका पूछा जा सके। हाल ही में पश्चिम बंगाल द्वारा जांच आयोग अधिनियम 1952 के तहत इजरायली साइबर खुफिया कंपनी एनएसओ ग्रुप द्वारा विकसित पेगासस स्पाइवेयर के माध्यम से टेलीफोन की कथित निगरानी किए जाने की जांच करने हेतु जांच आयोग यानी कि लोकुर आयोग का गठन किया गया है, और यह आयोग विभिन्न व्यक्तियों की निजता के कथित उल्लंघन की जांच करेगा। और मेरा भी देखिए ये मानना है कि अगर इस तरह का कोई होता है और हमारी सरकार ने नहीं करवाया है तो इसकी जांच और अच्छे से होनी चाहिए। आप देखिए, आपकी निजता का उल्लंघन हो, मान लीजिए अधिकार का, समझ रहे हैं आप लोग, मान लीजिए कि चाइना ने करवाया हुआ है, फिर तो हमें और नुकसान होगा, हम किस तरह इसकी अपनी रणनीति बना रहे हैं। ये सब अगर किसी दूसरे देश को मालूम चल रहा है तो और परेशानी कड़ी हो जाती है। और इन दो नामों को आप लोग जरूर याद रखिएगा क्योंकि हो सकता है इनसे क्वेश्चंस आपके पूछ ले कि इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे। तो एक आप देखेंगे कि एक जो कलकत्ता हाईकोर्ट है इसके पूर्व चीफ जस्टिस ज्योतिर्मय भट्टाचार, और दूसरे हैं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मदन भीमराव लोकुर। इन नामों से हो सकता है क्वेश्चंस आ जाए तो याद रखिए। और इस प्रकार के आयोग के गठित करने की अगर हम लोग शक्ति की बात करें तो आप देखेंगे केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा इस प्रकार के जांच आयोगों का गठन किया जा सकता है। ये शक्ति आपकी केंद्र के पास भी है और राज्य के पास भी है, लेकिन आप देखेंगे केवल पश्चिम बंगाल में ही ये जासूसी नहीं हुई है, ये देश भर में आप देखेंगे कई पत्रकार आपके शामिल हैं, विपक्ष के नेता भी शामिल हैं और कई मंत्री भी शामिल हैं, आप देखेंगे संविधानिक पद पर बैठे लोग भी इसमें शामिल हैं। तो इसकी जांच के लिए अगर आप सोचिए केंद्र सरकार अगर कोई आयोग बनाती तो मुझे लगता है कि बेहतर रहता, लेकिन एक काम किसने किया हुआ है, पश्चिम बंगाल ने। किंतु राज्य सरकार केवल उन विषयों पर जांच का आयोग गठन कर सकती है जिन पर उसे कानून बनाने का अधिकार होता है। अब आप कहेंगे कि कौन से विषय, तो आप सभी लोग 7वीं अनुसूची पढ़ते हैं, उसमें आप लोग 3 सूचियों को पढ़ते हैं, एक संघ सूची, एक संवर्ती सूची, एक आपकी राज्य सूची। और आप सभी जानते हैं कि जो संघ सूची है इस पर आपकी केंद्र सरकार कानून बनाती है, तो इसकी जांच कौन करेगा, केंद्र सरकार के अंडर में ही। अगर केंद्र सरकार आपका जांच आयोग बनाता तो वो तीनों सूचियों के विषय पर जांच कर सकता था, लेकिन राज्य ने बनाया हुआ है तो आप सभी जानते हैं कि राज्य सूची के जो विषय हैं उनकी जांच हो सकती है, और आप देखिए कि आपकी जो संवर्ती सूची है इसकी भी जांच करवा सकता है ये आयोग। यदि केंद्र सरकार द्वारा किसी विषय पर आयोग का गठन पहले किया जाता तो राज्य सरकार उसी विषय पर केंद्र सरकार की मंजूरी लिए बिना अन्य समानांतर जांच आयोग का गठन नहीं कर सकती, समझ गए आप लोग, यानी कि केंद्र सरकार अगर किसी जांच आयोग का गठन करता तो फिर तो आप देखिए कि तीनों सूचियां उसके अंडर में आ जाती, राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची। फिर भी अगर राज्य सरकार को जांच आयोग बनाना है, इस तरह का आयोग कोई बनाना है, तो उसे केंद्र सरकार की अनुमति लेना जरूरी हो जाता है। ठीक है, बिना मंजूरी उसकी अनुमति के वो इस तरह के आयोग का गठन नहीं कर पाता, और इसीलिए आप देखते हैं कि केंद्र सरकार ने कोई हस्तक्षेप भी नहीं किया हुआ है और आराम से ममता बनर्जी ने आयोग भी बना दिया है। यदि राज्य सरकार द्वारा जांच आयोग का गठन किया जाता और यदि केंद्र सरकार को लगता है कि इस विषय पर जांच का दायरा 2 या अधिक राज्यों तक बढ़ाया जा सकता है तो वह समान विषय पर दूसरा जांच आयोग गठित कर सकती है। ये आपकी केंद्र सरकार के पास शक्ति है एक तरह से। जांच आयोग के को अगर प्राप्त शक्तियों की बात करें कि जांच आयोग के पास कौन कौन सी शक्तियां रहेंगी,
कितनी शक्तियां रहेंगी। तो जांच आयोग अधिनियम 1952 के अंतर्गत सरकार द्वारा गठित आयोग को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत किसी मुकदमे की सुनवाई के दौरान एक दीवानी अदालत के समान शक्तियां प्राप्त होंगी। किस अधिनियम के तहत? जो आपका सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 है, इसके तहत। और इसका अर्थ होता है कि आयोग के पास किसी भी व्यक्ति को भारत के किसी भी कोने से बुलाने और उसके समक्ष पेश होने और उसकी शपथ पर जांच करने, शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करने की शक्तियां प्राप्त होती हैं। जांच आयोग की बात कर रहा हूं मैं। जांच आयोग किसी किसी भी किसी न्यायालय या फिर कार्यालय से किसी भी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि दिए जाने का आदेश भी दे सकता है। आयोग द्वारा किए किन विषयों पर जांच की जा सकती है? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। आप देखिए कि जो पश्चिम बंगाल सरकार ने जांच आयोग बनाया हुआ है, वो किन विषयों पर जांच कर सकता है? तो आपको पीछे भी थोड़ा बहुत बता चुका हूं कि केंद्र सरकार द्वारा गठित आयोग संविधान की 7वीं अनुसूची में सूची एक, संघ सूची अथवा सूची दो, राज्य सूची, या फिर आप देखें सूची तीन यानी कि समवर्ती सूची में शामिल किसी भी प्रविष्ट से संबंधित किसी भी मामले की जांच कर सकता है। आप देखिए केंद्र सरकार बड़ी सरकार होती है और केंद्र के अंडर में आप देखेंगे तीनों सूचियां आपकी आ जाती हैं। लेकिन बात करें अगर राज्य सरकार द्वारा गठित आयोग की, तो याद रखिए 7वीं अनुसूची में जो सूची दो है, जैसे आप लोग क्या कहते हैं, समवर्ती सूची और राज्य सूची के नाम से जानते हैं, सूची दो और सूची तीन में शामिल प्रविष्टियों यानी कि विषयों से संबंधित मामलों की जांच कर सकते हैं। एक केंद्र सरकार के जो संघ सूची है इसकी जांच नहीं कर सकता है, ठीक है। और पेगासस जांच आयोग का गठन किस सूची से संबंधित है? तो जांच आयोग का गठन करने हेतु पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लोक व्यवस्था और पुलिस प्रविष्टियां यानी कि विषय का हवाला दिया गया है और इसी का हवाला देते हुए इसका गठन किया गया है। हालांकि आप देखेंगे विषय 7वीं अनुसूची की राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, फिर भी एक तरह यह भी दिया जा सकता है कि उक्त मामले में जांच की विषय वस्तु मुख्यतः केंद्रीय सूची के अंतर्गत आती है। इसके अलावा आप देखेंगे डाक, टेलीग्राफ, टेलीफोन, वायरलेस प्रसारण और संचार के अन्य माध्यम संघ सूची की प्रविष्टि 31 से संबंधित देखने को मिलेंगे। तो इसे भी याद रख सकते हैं आप लोग। और इस प्रकार की अगर जांच की अगर हम लोग आयोग की रिपोर्ट का महत्व की बात करें कि ये जांच आयोग आपकी रिपोर्ट देता है, उसका महत्व क्या होगा? तो इस तरह के आयोग के निष्कर्षों को आमतौर पर विधानसभा या संसद में पेश किया जाता है और जो इस पर निर्भर करता है कि आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया है। सरकार आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के लिए बाध्य नहीं होती है और हालांकि आयोग के निष्कर्ष कार्यपालिका के लिए बाध्यकारी नहीं होते, किंतु अदालतों द्वारा साक्ष्य के रूप में इस निष्कर्षों पर विश्वास किया जा सकता है। तो ये मान सकते हैं आप लोग। तो इस जांच आयोग के बारे में यही पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। हो सकता है क्वेश्चंस पूछ ले क्योंकि काफी बवाल कट रहा है आप देख रहे हैं और चर्चा में बना हुआ देश भर में, संसद के सदन भी नहीं चल पा रहे अच्छे से, आप समझ रहे हैं। तो पढ़ते रहिए आप लोग, मिलते हैं हम लोग नए कोई इस तरह के टॉपिक के साथ।